हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल एडुटी वंस अगेन। सो एज यू ऑल नो दैट यूपी बीएससी नर्सिंग एंड एबीबीएमयू पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन एक साथ स्टार्ट होने वाला था। जैसा कि आप देख सकते हैं डीजीएमई की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये ऑफिशियल नोटिस आया था, जहां पर उन्होंने बीएससी नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग दोनों की ही काउंसलिंग की डेट्स अनाउंस की थी। एंड आप लोगों का जो लास्ट डेट था रजिस्ट्रेशन का वो 10th अक्टूबर था, एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी का जो लास्ट डेट था वो 11 अक्टूबर दिया था। बट आज 11 अक्टूबर हो गई है एंड अभी तक पोस्ट बेसिक काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। ऑल्दो जब आप एबीवीएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करने पे ये जो पोस्ट बेसिक वाला सेक्शन है यहाँ पर आप जब क्लिक करोगे एंड यहाँ पर जब आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले पेज पर रीच होगे तो यहाँ आप देखोगे दैट एबीवीएमयू वालों ने काउंसलिंग लिंक फॉर बीएससी नर्सिंग यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया है। ऑल्दो ये लिंक तभी एक्टिवेट हो गई थी जब बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग वालों की एक्टिवेट हुई थी, क्योंकि जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको यूपी नर्सिंग काउंसलिंग वाले पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा। इसी वेबसाइट पर आप लोगों की काउंसलिंग होगी पोस्ट बेसिक की भी, दैट इज़ nursing.upsdc.gov.in। तो इसी वेबसाइट पर पोस्ट बेसिक वालों का भी काउंसलिंग होगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह। एंड जब आप देखेंगे, जब आप रजिस्ट्रेशन वाले पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये पेज ओपन करोगे एंड यहाँ पर आप लोगों का कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन जहाँ पर काउंसलिंग के लिए सारी डिटेल्स फिल करके आपको लॉगिन करना है, तो यहाँ पर आप देखोगे सिर्फ एक ही कोर्स अवेलेबल है यहाँ पर। मतलब अभी बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग वालों का ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अगर पोस्ट बेसिक वालों का भी होता तो यहाँ पे पोस्ट बेसिक नर्सिंग का भी दे दिया होता सेक्शन, लेकिन अभी कुछ रीजंस की वजह से पोस्ट बेसिक वालों का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं किया है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे अभी वो लिंक अवेलेबल नहीं की गई है। मैंने एबीवीएमयू वालों को कॉल भी किया था तो उन लोगों ने भी यही बोला दैट हो सकता है आज शाम तक आप लोगों का पोस्ट बेसिक का जो लिंक है वो एक्टिवेट करा दिया जाए, या हो सकता है शाम तक आप लोगों का काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाए, नहीं तो फिर कल मॉर्निंग में तो स्टार्ट हो ही जाएगा। एंड क्योंकि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग लेट स्टार्ट होगी तो आपकी जो डेट्स हैं वो भी पोस्टपोन्ड होंगी। एंड मैंने उनसे क्या बात की, उन्होंने मेरा क्या रिप्लाई किया, तो वो कॉल रिकॉर्डिंग में मैं आप लोगों को सुना देती हूँ, पहले आप लोग वो सुन लीजिए। हेलो जी, बताएं। हेलो सर, पोस्ट बेसिक वालों की काउंसलिंग नहीं होगी क्या? अभी स्टार्ट नहीं हुई है वो काउंसलिंग। हाँ, 8 से 11 मतलब शुरुआत की डेट थी, जो 8 से 11 थी रजिस्ट्रेशन की डेट, लेकिन वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है क्योंकि उनकी वेबसाइट अभी शुरू नहीं हुई है, तो वो अभी जब आज शाम को शायद स्टार्ट कर देंगे तो उसके लिए परेशान मत रहिए। आज शाम को जब स्टार्ट हो जाएगी तो उसके लिए डेट भी बढ़ेगी, क्योंकि सुबह से कि शाम तक आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर आपसे कल सुबह बताइएगा, फिर देखते हैं हम, क्योंकि उन्होंने तो हमको शाम को ही बताया है डीजीएमबी ने। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, उन्होंने यही बोला कि आप लोगों की डेट्स जो है वो पोस्टपोन्ड होंगी, तो टेंशन मत लो। जो भी जैसा भी डेट्स आते हैं या कोई ऑफिशियल नोटिस आता है पोस्टपोन्ड से रिलेटेड, या फिर जब भी स्टार्ट होती है आप लोगों की पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वालों की काउंसलिंग, तो मैं आप लोगों को वीडियो और टेलीग्राम चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगी। तो जिन लोगों ने भी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, दैट इज एडुटी डिस्कशन, तो वो लोग ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच अपडेट। Thanks for watching.